आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज अगर किसी क्षेत्रवासियों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। यही हालात जनपद चमोली का थराली नगर पंचायत क्षेत्र के भेटा वार्ड के ग्रामीणों की है। भेटा वार्ड के ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क की मांग को लेकर सरकार और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थराली मुख्य बाजार से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत थराली के भेटा वार्ड आजादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। ग्रामीणों की इस परेशानी को देखते हुए थराली से पूर्व विधायक मगनलाल शाह के कार्यकाल में भेटा के लिए नासिर बाजार से 800 मीटर सड़क की स्वीकृति के लिए 42 लाख रुपए की वित्त स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यह सड़क निर्माण कार्य शुरू न हो पाने से ग्रामीण आक्रोशित है। अब ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए तहसील मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भेटा वार्ड के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से अपनी सड़क संबंधी समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन भेजा है और चेतावनी दी है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह मतदान का बहिष्कार करेंगे। इससे पूर्व विकासखंड नरायबगड़ के ग्राम पंचायत नाखोली के ग्रामीणों ने भी सड़क नहीं तो मतदान नहीं की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा था। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। भेटा ग्रामीणों की मांग है कि वहाँ पे सड़क आए। आज जब सरकार उसके लिए जीओ पास कर चुकी है और पैसा उसमें डाल चुकी है, तब भी 4 साल होने को हैं, अब तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। कितनी सरकारें आई गई गांव वाले एहसास में कि आज रोड आएगी कल रोड आएगी, लेकिन कभी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। रोड के लिए आज भी सारे लोग परेशान हैं, बुजुर्ग महिलाएँ, बीमार लोग, स्कूली बच्चे, सभी की परेशानी बनी हुई है रोड सड़क। तो अभी भी सरकार का कोई इसमें सीरियस कोई कदम नहीं है अब तक, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार इसमें कोई कार्रवाई करे, अन्यथा यह आंदोलन और भी उग्र होने वाला है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पेटा ये थराली विकासखंड का मुख्यालय है थराली, और उस थराली नगर पंचायत का प्रमुख गाँव है भेटा, और आज सड़क सुविधा से महरूम है। और आसनी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, दशकों से मांग चल रही है सड़क से जोड़ने की, किंतु अब तक मतलब इस ओर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीच में हल्की कार्रवाई भी, कुछ पैसा धन भी स्वीकृत हुआ, लेकिन ये भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पे और मैंने सड़क न बनाने की मंशा को लेकर के वो सड़क का काम रोक दिया गया है ना। और आज सारे ग्रामीण आंदोलित हैं और ग्रामीणों की मांग है जब तक अब निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता तब तक वो इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे। और अभी तो ये एक सांकेतिक तौर पे एक सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत जल्दी उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता है। इससे पहले कि कोई ऐसी स्थितियां पैदा हो तो हमारे शासन प्रशासन और सरकार से मांग है कि वो मामले की संवेदनाओं को और मामले की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र कोई निर्णय। अभी भेटा के ग्रामीणों के द्वारा मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। इन जो ज्ञापन है, ज्ञापन सड़क के संबंध में है, जिस संबंध में पूर्व में बताया जा रहा है कि भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट उसमें है, भूवैज्ञानिक के द्वारा उसे अनुपयुक्त बताया गया है। तो इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर इस संबंध में मेरी बातचीत एक्शन PWD से पूर्व में हुई थी, जब उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि जो सड़क है वहाँ पे भूवैज्ञानिक के द्वारा उसे अनुपयुक्त बताया गया है। पुनः इस बारे में एक बार उनसे बात वार्तालाप किया जाएगा और संभवतः कोई रास्ता निकलेगा। परेशानी सर्वप्रथम हमारे मोटर मार्ग से संबंधित परेशानी है, जिसे हम वर्षों से मांग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण लोग पूर्व में भी कई बार इस भेटा मोटर मार्ग को लेकर पूर्व में भी कई बार मांगे की गई, लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा हम हर समय कुछ न कुछ बहानेबाजी करके टाल मटोल करके हमारे मोटर मार्ग की अनदेखी की गई। कई बार हमने लिखित और मौखिक रूप से भी पत्राचार के द्वारा भी सरकार को अवगत कराया,
रोड तो स्वीकृत हुई, लेकिन उसमें भी जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के माध्यम से हमें सरकार द्वारा गुमराह किया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये भेटा मोटर मार्ग का एरिया अगर भूस्खलन जोन है तो उसमें ग्रिप द्वारा रोड चौड़ीकरण क्यों किया गया है, क्यों नगर पंचायत से संबंधित समस्त निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और भी कई विभागों द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ से गुजरता है। अगर ये सिर्फ एक 800 मीटर की दूरी पर अगर ये एरिया खतरे की जद में है तो क्यों ये सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, हमें इस बात का जवाब चाहिए। हमारे ग्रामीण लोग इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कई एक आदमी कहने पर जो है कि रोड जो है अवरुद्ध कर रहे हैं और जबकि एनएच की रोड जितनी कट रही है और जबकि मैं सेंटर तक नासिक बिहार से सेंटर तक हमारी रोड बनी हुई है, उसे आगे में रोड देने में क्या आपत्ति है सरकार को, हमने सरकार के एक आदमी कहने पर सरकार जो है झुक रही है भाई, यही बोलने क्या बोलना आगे किस तरीके से विरोध से इसके लिए जाएगी, धरने में बैठेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।